नमस्कार, इंडिया में आपका स्वागत है। बीके न्यूज बलिया। जयराम सिंह प्रधान के द्वारा पौधरोपण किया गया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आम घाट में जयराम सिंह प्रधान के द्वारा साथ ही जिला अधिकारी महोदय ने पौधरोपण किया। जयराम सिंह ने बताया कि पौधरोपण से हम सब बीमारी से बचते हैं। बता दीजिए, मैं जयराम सिंह प्रधान विकास जी। आज कैसा कार्यक्रम हम देखें, शायद बच्चे लगे थे, पौधे लगा रहे थे। आज का कार्यक्रम था ये पर्यावरण पे पेड़ लगाओ देश को। कार्यक्रम के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनी थी, जिसमें हमानी सिंह डीएम और नोडल अधिकारी आए थे। उन लोगों के द्वारा भी वृक्ष लगा और समाज के अन्य लोग भी, हर लोग एक एक वृक्ष लगा, करीब 400-500 वृक्ष आए जी। हम ये जानना चाहते हैं उन लोगों क्या कहेंगे जो बिना सोच समझे पेड़ काट, हरे हरे पेड़ काटते हैं। बहुत सारा सुनने में आता है, कंप्लेन पड़ती हमारे समाज के लिए, देश के लिए। पेड़ के बगैर जीव जीवन संभव नहीं, लेकिन वो लोग ना समझ हैं और अपनी थोड़ी सी स्वार्थ के लिए जंगल और पेड़ की क्षति पहुंचाते हैं। इनसे पेड़ लगाने से क्या क्या फायदे हैं वो हम जानना चाहते हैं आपसे। पेड़ यह मानव जीवन के साथ साथ पेड़ का है। मानव या कोई भी जीवधारी ऑक्सीजन से ही जीता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये पेड़ जंगल कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये साक्षात दिखाई दे रहा है कि ये हमारे जीवन के लिए कितना अनिवार्य चीज है। और इसके बाद देखा जाए तो जहाँ वृक्ष नहीं है वहाँ बारिश संभव नहीं है। जब बारिश नहीं होगी तो हमारी पैदावार नहीं होगी और फिर मानव जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य है और पेड़ का क्षति पहुँचाना बहुत बड़ा पाप है, और इसके लिए जो भी सरकार व्यवस्था कर रही है बहुत है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमें भी जागरूक होना चाहिए। सरकार लगावे और मैं क्षति पहुंचाऊं, लगने न दूं, तो संभव का। सरकार के साथ साथ समाज को भी साथ चलना होगा, तभी फिर स्वर्ण का लाभ।